1500 से एक करोड़ का सफर सर। मुझे खिचड़ी बनाने वाली खिचड़ी काकू कहते हैं, क्योंकि केबीसी में जो रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो और केबीसी में जो विनर हुई मैं, तो बहुत ही बड़ा सफर है मैम सर, और बहुत ही बड़ा चेंज है। नहीं, मैंने केबीसी की सभी सीजन देखे हैं, मगर रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ़ोन चाहिए। सभी जो हमारे पहले घर जब पहले सीजन शुरू हुआ था तो टीवी ही नहीं थी, पहले यहाँ पे देख रही थी, मगर कभी ट्राई भी नहीं कर रहा था क्योंकि फ़ोन ही नहीं था, तो फ़ोन पे फ़ोन करना पड़ता था और रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, SMS करना पड़ता था, तो कुछ भी नहीं था। मगर 2018 में मैंने ट्राई किया था, क्योंकि तभी फ़ोन आया था हमारे घर पे, तो फ़ोन बिगड़ गया था और फिर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। तो ये साल मैंने ऐसा सोच लिया था कि ये साल मैं करूँगी, हाँ कुछ भी करूँगी, मगर रजिस्ट्रेशन पक्का करूँगी, फिर आगे भगवान की मर्जी। हाँ मैम, हाँ सर, हाँ सर, हाँ, जो हमारे घर पे एक ही फ़ोन था, क्योंकि मेरे मिस्टर के पास फ़ोन था और सभी यूज़ कर रहे थे, और कभी भी KBC की टीम का फ़ोन आ रहा था तो भी उनके पास उनका फ़ोन बाहर रहता था, तो उन्होंने मुझे ऑडिशन में पूछा था कि ये क्या करेंगे, तो पैसे आप फ़ोन क्यों नहीं लेते, पैसे तो है मिस्टर के जो तनख्वाह है तो उनसे ले लीजिए। नहीं, मैंने ऐसा बोला था कि मेरी जो खुद की कमाई रहेगी वो KBC की कमाई रहेगी, उससे मैं फ़ोन लूँगी, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि जो फ़ोन का यूज़ है जो दुधारी तलवार है सर, तो मुझे तो अच्छे पढ़ाई के लिए फ़ोन चाहिए था, इसीलिए मैं बच्चों का इनका फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने ऐसा कहा कि मेरे पास फ़ोन ही सच में नहीं था, तो मैंने बोला कि KBC से पैसे कर दूँगी। हाँ नहीं सर, अभी हाथ में नहीं आया। अच्छा, हाँ जब भी सिलेक्शन हुआ, जो ऑडिशन के लिए सिलेक्शन हुआ, तभी मुझे ऐसा लगा, उनको लगा कि ये अब आगे तक जाएगी, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था, बच्चों को भी पता था कि अपनी मम्मी कितनी पढ़ती है, मेरी बेटी अब ग्रेजुएशन कर रही है, तो उसको पता था कि इतना कितनी पढ़ाई है, क्योंकि उसको कोई अड़चने आए, कोई अड़चने आती थी तो मैं बताती थी, तो उसको वो बोलती थी कि तुझे कैसे पता है, ये कभी बोलती थी तुझे कैसे पता है, तो मैं मेरे बेटे को बोलती थी, वो इंग्लिश मीडियम की जो स्कूल रहती थी, तो उसे ऐसा अड़चनी आती थी, तो वो बोलती थी बोलता था कि मम्मी ये कैसा है तो पता है क्या, तो मैं बोलती थी उसको, तो वो बोलता था कि नहीं मम्मी तुझे कैसा पता है, तो मैं हमेशा अपडेट रहती, तो उसकी पढ़ाई भी मुझे आ जाती थी, तो उसे पता था कि ये मम्मी कर लेगी, उसकी इतनी क्षमता है। हाँ हाँ, बच्चों को हमेशा पढ़ाती थी और उनको सक्षम करती थी, क्योंकि उनको कोई अड़चने आए तो मेरे विषय में जो मैं मदद करती थी तो उनको पूरा मदद करती थी। मैंने जब पढ़ाया तो उसको उनको अच्छा लगता था कि अपनी मम्मी ने अपने को अच्छा पढ़ाया है, क्योंकि उनको एग्ज़ाम में जो अड़चने आती थी तो मैं उनकी अड़चने छुड़ाती थी। अब क्या रिएक्शन आ रहे हैं, अब लोगों के फोन आने, बहुत ही खुश है, हमारे गाँव में तो त्यौहार जैसा वातावरण है, मेरे ससुराल में भी त्यौहार जैसा वातावरण है, और पूरे अमरावती ज़िले में और महाराष्ट्र में पूरे त्यौहार जैसा है, कोई नहीं, अभी तो यहीं पे आए हैं, अंजन गांव में तो बहुत ही अच्छा वातावरण, बस सब कुछ है और मेरी ही बातें हो रही है। एक करोड़ का जो क्वेश्चन था वो मुझे अड़चन आ रहा था, क्योंकि लाइफलाइन तो नहीं रहती थी तो मैं नहीं लेती थी, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था ज़्यादा, मगर मुझे पता था कि जो अड़चन सबसे ज़्यादा आएगी तो उसके लिए एक्सपर्ट लाइफलाइन रखना है, तो इसीलिए मैंने वो लाइफलाइन रखी थी। तो उसके आगे कुछ और कंटिन्यू करना चाहिए था, हाँ करना चाहिए था, मगर पढ़ाई नहीं थी और कॉन्फिडेंस नहीं थी, तो इतने दूर आ गए और इतने दूर आके
गिव अप करना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने बोला नहीं छोड़ दिए। नहीं, मुझे कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है, अभी हैंडल ही नहीं किया है, मोबाइल भी ज़्यादा हैंडल नहीं करते आता, बस एक बार किसी ने खोल दिया देख लिया तो देख लेती हूँ। हाँ, मुझे MSCIT जो कंप्यूटर का कोर्स है, जो जो बेसिक जो है मुझे सीखना है, करना है। अमिताभ बच्चन से जब मिले आपको, उसका क्या रिएक्शन था आपका जब देखे, क्योंकि आप मैंने सारे सीजन फॉलो किए हैं, सामने बैठे हुए हैं, उसको क्या क्या माइंड में क्या चल रहा था? वो अद्भुत है, उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि बाप रे कितनी एनर्जी, इतनी एनर्जी से काम करते हैं, इतनी उम्र हो गई है और हम तो इतनी एनर्जी से हम काम नहीं कर सकते, तो उनकी एनर्जी देखकर ही मुझे ऐसा लग रहा था, कॉन्फिडेंस फील हो रहा था कि बहुत अच्छा है, तो अपन ये कर सकते हैं, इतनी उम्र हो के अभी तो अपन क्यों नहीं कर सकते, तो मुझे कॉन्फिडेंस फील हो रहा था। सामने बैठे उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, क्या माइंड में चल रहा था कि आगे मुझे करना है नहीं करना है क्या? नहीं, सामने नर्वसनेस थी फास्टर फिंगर फर्स्ट तक, क्योंकि मुझे कंप्यूटर हैंडल नहीं करते आता था, सवाल आता था मगर क्लिक नहीं हो रहा था, तो बुधवार रात तक मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं जाऊंगी, मगर सभी की जो एनर्जी और सभी के चेहरे दिख रहे थे, मेरे मिस्टर जो देख रहे थे कि ये करेगी क्या करेगी, उनको पता था कि फास्टर फिंगर फर्स्ट में निकल जाएगी तो आगे तो कर देगी, तो वही मेरे लिए कठिन था और फिर कोई अड़चन नहीं आई। एक करोड़ का काफी बड़ा अमाउंट होता है। हाँ सर, उसे क्या करना है उसमें? हाँ, सभी समझदारी से खर्च करनी है, क्योंकि मुझे पहले से शिवालय बनाना है, जो हमारे गांव में शिवालय जो है पहले था तो गिर गया है, और छोटे से जगह पे वो मूर्तियाँ रखी है, वो मूर्तियाँ ऐसे लगी है और यात्रा रहती है, सभी यात्रा आती है देखते हैं, और उसकी अवहेलना मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मुझे पहले वो शिवालय बनाना है, और जो शिवरात्रि है महाशिवरात्रि रहती है तब तक वो कंप्लीट करना है। हाँ, बच्चों की सिक्योर लाइफ सिक्योर करनी है, उनकी अड़चनी छुड़ानी है, क्योंकि उनको जो अड़चनी आएगी तो आगे तो पढ़ाई के लिए तो पैसा बहुत लगेगा, और कोई भी उनकी ज़रूरतें रहेगी तो वो छुड़ा देंगे, और जो मिस्टर को मेरे मिस्टर को जो अभी तक जो कष्ट किए तो उनकी कष्ट दूर करना चाहूँगी। नहीं, अभी तो कुछ सोचा नहीं है, मगर जो भी करूँगी पैसे वेस्ट नहीं करूँगी। अच्छा, अगर इंडस्ट्री कुछ ऑफर आए काम करना चाहेंगे? नहीं, मेरा जो खिचड़ी का काम है वो तो करूँगी, और मुझे सेल टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो जो मैं कम्पिटिटिव एग्जाम के पहले तैयारी कर रही थी तो वो ही कंटिन्यू करना है। हाँ, मुझे मैं औरतों को ऐसे बोलना चाहूँगी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, आप घर में बैठते हो, सब दो जो मेहमान आते थे उनको भी खिला नहीं सकते हो, तो हम किसी कितने बच्चों को खिलाते हो और प्रेम से खिलाते हो, तो अच्छे से कोई भी सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोई भी काम हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो और बच्चों के इधर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका भविष्य अपना भविष्य है, उनका भविष्य बन जाएगा तो अपनी इतनी कमाई है माता पिता की कि अपने बच्चे सिक्योर रहे और अच्छे रहे, तो उनका भविष्य बनने के लिए माँ को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि घर में भी जो औरतें रहती है तो वो भी घर का काम जिम्मेदारी संभालती है, तो तभी जो घर का ये है जेंट्स है वो वहाँ पे बाहर जा सकता है, क्योंकि उसको उसको पता है कि ये घर संभाल लेगी कर लेगी, तो वो भी दो जिम्मेदारी पहले ही निभाती है, और उसकी क्षमता है तो वो बाहर भी जाएगी तो करेगी, तो वो भी अच्छे ही करेगी, क्योंकि जो हाउसवाइफ है कुछ भी कर सकती है।